हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द चैप्टर दैट नेम इज आ प्रीवियस गिफ्ट, रिटन बाय रवींद्रनाथ टैगोर। इससे पहले भी रवींद्रनाथ टैगोर ने बहुत सारे चैप्टर्स लिखे हैं, लेकिन ये जो चैप्टर्स है आ प्रीवियस गिफ्ट, एक बेशकीमती उपहार या बहुमूल्य उपहार, ये जो पूरा चैप्टर्स है ये एक लॉयल सर्वेंट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, घूमता रहता है। इसमें उसकी वफादारी दिखाई गई है कि कैसे वो अपने जो उसका मास्टर्स होता है, उसके जो मालिक होते हैं, उसके बेटे के साथ क्या होता है और क्यों होता है, उसका जिम्मेदार कौन होता है और उसको क्या गिफ्ट मिलता है। इस चैप्टर में हम पूरा बात करेंगे। आइए देखते हैं इस चैप्टर में आगे क्या होता है। ओके, टाइटल ऑफ द चैप्टर अ प्रीशियस गिफ्ट, एक बेशकीमती उपहार या एक बहुमूल्य उपहार। फर्स्टली, सबसे पहले हम अबाउट द लेसन के बारे में पढ़ेंगे। रवींद्रनाथ टैगोर वाज आल्सो अ फिलोसोफर एंड एन आर्टिस्ट। रवींद्रनाथ टैगोर एक फिलोसोफर थे, एक दार्शनिक थे एंड एन आर्टिस्ट, एक कलाकार भी थे। हियर द राइटर टोल्ड अबाउट दैट लॉयल सर्वेंट वो परफॉर्म्ड ऑल हिज ड्यूटी फेथफुली। यहाँ पर बात की गई है एक लॉयल, वफादार नौकर के बारे में जो अपने सारे कर्तव्य निभाता है। बट ही गॉट नथिंग, लेकिन वो कुछ नहीं मिलता, उसे कुछ नहीं पाता है वो। हिज ओनली सन्स ऑल्सो वेंट अवे, उसका इकलौता बच्चा भी उससे दूर जा चुका था। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करेंगे और विद हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझते जाएंगे। ओके, क्योंकि बेटा आगे कुछ भी करने से पहले चैप्टर रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो देखेंगे क्या है चैप्टर्स में। रायचरण वाज एम्प्लॉयड टू टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड। रायचरण को नौकरी मिली थी बच्चे की देखभाल करने के लिए। द चाइल्ड वाज द सन ऑफ अनुकूल बाबू, वो बच्चा जो था वो अनुकूल बाबू का था। द चाइल्ड वुड गो आउट ऑफ द हाउस बाय क्रॉलिंग ऑन हिज नीज, वो बच्चा घर से बाहर रेंगते हुए मतलब अपने घुटनों पर जाता है। वेन रायचरण वुड रश टू प्रिवेंट द चाइल्ड फ्रॉम गोइंग अवे, द चाइल्ड वुड क्राई, और रायचरण उसे बाहर जाने से रोकता है। प्रिवेंट का मीन्स होता है रोकना। द चाइल्ड वुड क्राई, बच्चा रोने लगता है। एंड बीट रायचरण विद हिज स्मॉल हैंड्स, और अपने छोटे छोटे हाथों से रायचरण को पीटने लगता है। वेन द चाइल्ड वुड कॉल आउट टू रायचरण एज अ चन्ना, जब रायचरण को वो बच्चा चन्ना के नाम से बुलाता था, इट वुड फिल रायचरण विद हैप्पीनेस, तो रायचरण खुशी से झूम उठता था। मतलब उसे अंदर से खुशी महसूस होती थी जब वो बच्चा उसे चन्ना के नाम से बुलाता था। आगे देखेंगे। अनुकूल बाबू वाज ट्रांसफर टू एन एरिया नियर रिवर पार्या। अनुकूल बाबू का ट्रांसफ़र हो गया था किस एरिया में, जो रिवर पार्या यानी कि नदी का नाम है पार्या, उसके किनारे। बिफोर ही लेफ्ट फ्रॉम कलकत्ता, वो जब कलकत्ता के लिए निकले थे, ही बॉट एक्सपेंसिव ज्वेलरी, उन्होंने बहुत सारी एक्सपेंसिव महंगी महंगी ज्वेलरीज खरीदी थी। एंड क्लॉथ फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए कपड़े भी खरीदे थे, एज वेल एज अ ब्यूटीफुल स्मार्ट कार, और एक छोटी सी स्मॉल कार भी अच्छी सी खूबसूरत सी खरीदी थी। देखिए ये चैप्टर्स पूरा रीड करिए बेटा, कोई भी बीच से छोड़ कर मत जाए, क्योंकि अगर आप छोड़ कर जाते हैं तो नुकसान आपको होने वाला है। क्योंकि कॉपी में मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर से के अलावा चैप्टर रीडिंग बेटा बहुत मस्ट होती है। अगर चैप्टर रीडिंग आपने अच्छे से कर लिया है तो फिर क्वेश्चन आंसर और मीनिंग्स हो फिर, या फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हो, तो उसमें बहुत हेल्प मिलती है। और एग्ज़ाम टाइम में हमें वो चैप्टर की स्टोरी जो रहती है वो पूरी माइंड में घूमती रहती है। तो उसके रिगार्डिंग समय क्वेश्चन आंसर कोई ऐसा है मिसिंग है जो हम उसको याद नहीं कर पाए, लेकिन आपने अगर स्टोरी ढंग से पढ़ी है तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। ओके, आगे देखेंगे हम। इट हैड बीन रेनिंग फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही थी। इट वॉज द इवनिंग एंड द चाइल्ड वॉन्टेड टू गो आउट, ये शाम के समय बात थी जब बच्चा बाहर जाना चाहता था। रायचरण टुक आउट हिम इन अ कार, रायचरण उसे कार से बाहर ले गए। द फील्ड वर फील्ड विद द वाटर, पूरे मैदान में पानी पानी भरा था। एंड द चाइल्ड ऑन द आउट एंड द चाइल्ड ऑन सीइंग फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ हैविंग अ बंच ऑफ देम, और पानी जब हर जगह फैला था तो फूल भी निकल आते हैं वहाँ पर पानी से, बंच ऑफ देम, तो उसने इंस्टेड किया, उसने सोचा कि ये फूल, बच्चे ने मांग की, डिमांड की। रायचरण वेंट इनसाइड द वाटर, रायचरण पानी में गए। एंड स्टार्टेड प्लकिंग फ्लावर्स फॉर द चाइल्ड, और बच्चे के लिए वह फूल
तोड़ने लगे। द चाइल्ड सैट क्वाइटली इनसाइड द कार, वो बच्चा कार में चुपचाप बैठा था फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए। एंड देन हीज अटेंशन वॉज कॉट बाई द रिवर दैट वॉज फ्लोइंग, फिर उस बच्चे का ध्यान उस नदी पर जाता है जो बह रही थी। ही क्वाइटली गॉट ऑफ दैट कार, वो चुपचाप शांति से उस कार से निकला। पिक्ड अप अ स्टिक दैट वॉज लाइंग नियर बाई, और एक स्टिक पकड़ ली जो उसके पड़ी थी आसपास। वेंट टू द बैंक्स ऑफ द रिवर, और नदी के किनारे चला गया। विच हैड टेकन अ डेंजरस फॉर्म एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद द वेव्स, और जो कि एक बहुत बड़े खतरनाक मोड़ में, आगे ये स्टोरी मुड़ेगी, ये भी स्टार्टेड प्लेइंग विद द वेव्स, और वो लहरों के साथ में खेलने लगता है। देखिए ये स्टोरी का जो है टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से स्टोरी कुछ हमें और लग रही है, आगे चल के कुछ और मिलेगी, तो आप आगे का इंतज़ार कीजिए और अच्छे से साथ में बढ़िया से पढ़ते रहें। ओके, देखिए क्या है। When Raicharan returned with flowers in his hand, जब Raicharan अपने हाथों में फ्लावर लेकर आता है, he was shocked to find the child missing from the car, वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि बच्चा कार से गायब है। He looked everywhere but could not find him, वो हर जगह देखता है लेकिन बच्चा उसे नहीं मिलता है। It was a growing dark and the child mother was getting worried, धीरे धीरे शाम होने को चली थी और बच्चे की माँ जो थी वो परेशान भी हो रही थी। सी सेंट आउट फ्यू मैन टू द बैंक्स ऑफ द रिवर विद द लैंटर्न्स इन सर्च ऑफ हिम, उसने कुछ आदमियों को भेजा नदी के किनारे विद द लैंटर्न्स यानी कि लालटेन के साथ में इन सर्च ऑफ हिम और उनकी खोज के लिए। एवरीवन फेल्ट दैट रिवर पर हैड हिडन द चाइल्ड इन हर फोल्ड्स, सभी का यही मानना था, सभी यही सोच रहे थे कि उस नदी में वो बच्चा डूब गया है या फिर वो उस नदी ने बच्चे को निगल लिया है। बट समवेयर ऑल ऑफ देम इन देयर हर्ट्स एंड हैड देयर डाउट्स, लेकिन सभी के मन में कुछ ना कुछ संदेह था कि आखिर हुआ क्या है। द मदर फेल्ट दैट Raicharan मस्ट हैव सोल्ड हर चाइल्ड, Raicharan जो माँ थी उसको लगा कि शायद Raicharan ने उसके बच्चे को बेच दिया है। शी टुक Raicharan इनटू अनदर रूम, सॉरी हाँ, इन देयर हर्ट्स देयर डाउट द मदर फेल्ट दैट द Raicharan मस्ट हैव सोल्ड हर चाइल्ड, कि उसने बच्चे को बेच दिया है। शी टुक Raicharan इनटू अनदर रूम, वो Raicharan को दूसरे कमरे में ले गई एंड बेग्ड, और याचना की, भीख मांगी इन फ्रंट ऑफ मी, उसके सामने क्या कहा, Raicharan यू कैन टेक सो मच एज यू वॉन्ट टू बट रिटर्न माई चाइल्ड टू मी, Raicharan तुम जितना चाहो उतना ले सकते हो लेकिन मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो, जितना तुम लेना चाहो उतना ले लो लेकिन मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो। Raicharan could not say a word, Raicharan कुछ नहीं बोल सका, he only remained silent, वो चुपचाप ही रहा, साइलेंट ही रहा। द मदर आउट ऑफ एंगर kicked him आउट ऑफ द हाउस, उसकी माँ गुस्से से थी, उसने Raicharan को बाहर निकाल दिया। सी केप्ट ऑन रिपीटिंग, और वो ये रिपीट करती रही, माई चाइल्ड वॉज वेयरिंग गोल्ड ज्वेलरी, आई एम श्योर ही, उसकी माँ यही बड़बड़ा रही थी कि उसका बच्चा गोल्ड ज्वेलरी सोने की चेन पहने था, आई एम श्योर ही, और मैं निश्चिंत हूँ कि, इतना कहकर मतलब ये कहती रहती है तो Raicharan दूर जाता है, इसलिए आवाज़ को यहीं पर रोक दिया गया है। इसका कहने का मतलब यह है कि उसकी माँ यही बुदबुदाया करती है कि जरूर उसके बच्चे को उसने बेच दिया है क्योंकि वो सोने की चैन वगैरह पहना था। सो Raicharan रिटर्न टू हिज विलेज, Raicharan अपने गांव वापस आ गया। बाय एंड ऑफ द ईयर, और साल के आखिरी में, अ सन वाज बॉर्न टू हिम वुज मदर पास्ड अवे, एक उसने देखा, अ सन वाज बॉर्न टू हिम वुज मदर पास्ड अवे, उसने देखा कि एक बच्चा पड़ा है नवजात पैदा हुआ जिसकी माँ गुजर जाती है। व्हेन द चाइल्ड स्टार्टेड क्रॉलिंग आउट ऑफ द हाउस, वो बच्चा जब अपने घुटनों के बल रेंगते हुए घर से बाहर जाता है, Raicharan वुड रश टू पिक अप हिम एंड द चाइल्ड वुड प्रोटेस्ट एंड बीट हिज फादर, वो बच्चा भागने की कोशिश करता है और उन्हें उसे पीटता है Raicharan को विद हिज टिनी हैंड्स, जैसे वो अपने पिता को पीटता था अपने छोटे छोटे हाथों से। दिस फॉर Raicharan वुड ब्रिंग बैक मेमोरीज ऑफ द लिटिल मास्टर हु वाज लॉस्ट इन द वेव्स ऑफ द रिवर पर्रिया, अब ये मेमोरीज जो उस समय घटित हुई उसके सामने, उसको वही यादें आ गईं कि कैसे उसके मास्टर का बच्चा खोया था। विद द चाइल्ड स्टार्टेड स्पीकिंग, जब बच्चा वो बोलने लगा, ही कॉल्ड Raicharan बाबा,
मतलब यहाँ से क्या पता चला कि उस बच्चे को उसने उठा लिया क्योंकि वो माँ गुजर चुकी थी और उसको उसे पालने पोसने लगा। ओके, व्हेन द चाइल्ड स्टार्टेड स्पीकिंग ही कॉल्ड रायचरण बाबा एंड हिज आंट मामा इन अ टोन विच वॉज रेमिनिशेंट ऑफ द वे द यंगेस्ट यूज टू कॉल आउट रायचरण। उसको बुलाता था बाबा रायचरण को और उसकी आंट जो थी उनको मामा बुलाता था इन टोन विच वॉज अ रेमिनिशेंट ऑफ द वे द यंगेस्ट मास्टर यूज टू कॉल, उसी वे में जैसे वो बुलाता था यंगेस्ट मास्टर रायचरण को। रायचरण वॉज शॉक्ड बाई दिस फैक्ट, रायचरण इस फैक्ट से आश्चर्य में था एंड बिलीव दैट इज हिज मास्टर हैड बीन बॉर्न इन दिस हाउस इन फॉर्म ऑफ हिज चाइल्ड। उसका ये विश्वास था कि उसका जो लिटिल मास्टर जो खोया था नदी के लहरों में वो उसी के रूप में इस घर में जन्म लिया है उसने। आगे देखते हैं, टू कन्फर्म दिस ही हैड थ्री एविडेंस, और ये कन्फर्म करने के लिए उसके पास तीन एविडेंस थे, सबूत भी थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर द यंग मास्टर डेथ, क्योंकि उस यंग मास्टर की डेथ हुई द चाइल्ड वॉज बॉर्न, ये बच्चा पैदा हुआ। सेकेंडली हिज वाइफ हैड ग्रोन ओल्ड, उसकी पत्नी बूढ़ी हो चुकी थी, देर वॉज नो होप ऑफ चाइल्ड बींग, और उसकी पत्नी जब बूढ़ी हो जाता है कोई इंसान तो वो बच्चा पैदा करने की हालत में नहीं होता है, बच्चा पैदा करने की शक्ति जो होती है उसको छीड़ हो जाती है। एंड थर्डली द वे दिस चाइल्ड यूज टू टॉक एंड बिहेवियर एग्जैक्टली द वे यंग मास्टर यूज टू बी, और बच्चे का जो बिहेव था वो वैसा ही था जैसे वो यंग मास्टर यानी कि छोटा सा नौजवान बच्चा जो खोया था रायचरण के हाथों से वो करता था, सेम वैसे उसके बिहेव थे। सो रायचरण के लिए ये एविडेंस मजबूत थे कि हाँ ये बच्चा वही है। यूज टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड द होल टाइम, बच्चे की हर समय देखभाल करता था एंड फियर दैट हिज चाइल्ड वुड नॉट गेट लॉस्ट लाइक द यंग मास्टर, और उसे डर भी सताया करता था कि ये बच्चा भी उससे उस यंग मास्टर की तरह न खो जाए कहीं पर। ही बॉट अ कार फॉर हिज चाइल्ड फॉर सेलिंग ऑफ हिज वाइफ ज्वेलरी, उसने अपने वाइफ की ज्वेलरी को बेचकर बच्चे के लिए कार खरीदी। ही टेक्स द चाइल्ड आउट एवरी डे इन द कार, वो बच्चे को डेली कार में ले जाता था। एज डे पास द चाइल्ड ग्रू ओल्डर एंड स्पॉइल्ड, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ एंड स्पॉइल्ड, और सब बर्बाद हो गया। क्या बर्बाद हुआ पता चलेगा अभी। ही वुड नॉट टॉक टू एनी वन इन अ स्ट्रेट मैनर, वो बच्चा किसी से भी सीधे तरीके से बात नहीं करता था। एंड द बॉय ऑफ द विलेज निक नेम्ड इज लाट साहेब, और उस गांव के बच्चे ने उसका नाम भी रख दिया था बच्चे का लाट साहेब। लाट साहेब का मीन्स ऐसा वर्ड उसके लिए यूज होता है जो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्क का समझता है, मतलब जो भी अपने आप को समझता है कि हाँ ये सब हमसे छोटे हैं, उम्दे में छोटे हैं, अहदे में छोटे हैं, हर चीज़ में छोटे समझते हैं, उसको बोलते हैं लाट साहेब। तो इसीलिए उसका नाम बच्चों ने रख दिया था क्या लाट साहब, जो निक नेम था उसका। फॉर हिज एजुकेशन रायचरण सोल्ड ऑफ हिज लैंड एंड सेटल डाउन इन कलकत्ता, उसकी पढ़ाई के लिए रायचरण ने अपनी ज़मीन बेच दी और कलकत्ता में सेटल हो गया। ही वर्कड हार्ड टू जॉब गेट अ जॉब फॉर हिमसेल्फ एंड एडमिटेड फॉलन इन ए स्कूल, वो जॉब पाने के लिए खूब हार्ड वर्क करता था। एडमिटेड फॉलन इन ए स्कूल, और फॉलन को स्कूल में एडमिशन दिला दिया। फॉलन कहाँ से आया ये, क्योंकि फॉलन उसी बच्चे का नाम था। ओके, He believed that the fallen would later on grow up to become a judge. उसका विश्वास था, वो चाहता था कि फालन जब बड़ा होगा तो ये भी जज बनेगा। फालन टर्न 12, फालन कक्षा 12 में पहुँचा। ही ऑलवेज फाउंड लुकिंग एट अ मिरर एंड टेकिंग केयर ऑफ हिज हेयर, वो बच्चा हमेशा शीशे के सामने जाता और अपने बाल दाढ़ा करता था। द स्टूडेंट ऑफ स्कूल वुल मेक फन ऑफ रायचरण, तो गाँव के जो स्कूल के जो बच्चे थे वो रायचरण का मजाक उड़ाते थे फॉर बींग इलिटरेट, क्योंकि वो अनपढ़ था। And Fallon would join in making fun of him as well. और Fallon भी उनके साथ इसका मजाक उड़ाया करता था। Whatever money Raicharan had got after selling of his land was finishing. जो भी पैसा Raicharan ने अपनी ज़मीन बेचकर लिया था was finishing, वो ख़त्म हो रहा था। And his income was very less to meet Fallon's demand. और Fallon की डिमांड के अकॉर्डिंग उसकी जो इनकम थी बहुत कम थी। He would regularly fight with his father. वो अपने पापा के साथ डेली लड़ता था फॉर पॉकेट मनी, जेब खर्चे के लिए, फॉर हिज प्लेजर एज वेल एज बाइंग फॉर गुड्स क्लॉथ्स, या फिर अच्छे कपड़े खरीदने के लिए हमेशा पैसे मांगा करता था। आगे देखेंगे, रायचरण केम अप विद एन आइडिया, रायचरण एक आइडिया के साथ में वापस आया। ही लेफ्ट हिज जॉब, उसने अपनी जॉब छोड़ दी। गेव द रिमेनिंग मनी टू फॉलन एंड सेड, बचा हुआ पैसा फॉलन को दे दो, कहा फॉलन आई एम गोइंग बैक टू द विलेज फॉर एन इम्पॉर्टेंट वर्क, बताया कि मैं अपने गांव जा रहा हूं कुछ जरूरी काम के लिए। विल बैक सून, और जल्दी ही वापस आ जाऊंगा।
रायचंद्र रीच द डिस्ट्रिक्ट वेयर अनुकूल बाबू वॉज प्लेस्ड एज द जज। वो उसी डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा जहां अनुकूल बाबू जज के रूप में तैनात थे, कार्यरत थे। ही डिड नॉट हैव एनी अदर चिल्ड्रन, उनके पास कोई दूसरा बच्चा नहीं था। अनुकूल बाबू हैड कम बैक फ्रॉम द कोर्ट, वो कोर्ट से घर आए एंड रेस्टिंग ऑन द चेयर वाइल हिज वाइफ वॉज बिजी बाइंग लोकल मेडिसिन फॉर प्रिकॉशन ऑफ अ चाइल्ड। वो बच्चों की देखभाल के लिए जो भी दवाइयाँ होती थी वो उसके बारे में क्या कर रही थी, प्रोक्रिएशन ऑफ अ चाइल्ड, मेडिसिन मतलब उसकी तैयारी कर रही थी, मेडिसिन बना रही थी। सी वॉज शॉक्ड टू सी रायचरण, वो रायचरण को देखकर शॉक्ड हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। हर ओल्ड सर्वेंट आफ्टर अ सच लॉन्ग टाइम, उसका बूढ़ा नौकर बहुत दिन बाद रिमेंबरिंग हिज सर्वेंट वाइल ही हैड बीन वर्किंग फॉर देम, उसे याद आया कि वो नौकर उसके लिए काम करता था। सी वॉज फिल्ड विद पिटी एंड आस्क, उसको दया से भर गई और कहा डू यू वांट टू वर्क हियर, क्या तुम यहाँ काम करना चाहते हो। रायता ने स्माइल एंड रायता ने मुस्कुराया और कहा आई टच माय मिस्ट्रेस फीट विद रिस्पेक्ट, मैं अपनी मालकिन के पैरों को प्रणाम करता हूँ या चरणों को स्पर्श करता हूँ। ऑन हियरिंग रायचरण वॉइस, और रायचरण की आवाज़ सुनकर अनुकूल बाबू केम आउट ऑफ हिज रूम, अनुकूल बाबू अपने कमरे से बाहर आए। सीइंग रायचरण द ओल्ड वाउंड बिकेम फ्रेश, और रायचरण को देखते उनका जो पुराना घाव था वो ताज़ा हो चला। अनुकूल बाबू ही सैड, कहा अनुकूल बाबू ही सैड मास्टर मालिक, योर चाइल्ड वॉज स्टोलन नॉट बाई रिवर पार्या बट बाई मी। उसने बताया कि आपका जो बच्चा था वो रिवर पार्या के द्वारा चुराया नहीं गया था, वो मेरे द्वारा चुराया गया था। अनुकूल बाबू वॉज सरप्राइज एंड सैड, अनुकूल बाबू ने सरप्राइज और कहा वट आर यू सेइंग, माई चाइल्ड इज अलाइव, तुम क्या कह रहे हो, मेरा बच्चा भी जिंदा है। हिज वाइफ सैड प्लीज टेल मी वेयर इज माई चाइल्ड, उसकी वाइफ ने कहा प्लीज़ बताओ मेरा बच्चा कहाँ है। रायचरण सैड डोंट वरी योर चाइल्ड इज विद मी, चिंता मत कीजिए ये बच्चा मेरे साथ है आपका। अनुकूल बाबू वाइफ बेग्ड हिम टू टेल वेयर हर चाइल्ड वाज, अनुकूल बाबू ने की वाइफ ने मनते की कि बताएं कि उनका बच्चा कहाँ है। रायचरण सैड आई विल ब्रिंग हिम टू यू डे आफ्टर टुमारो, कि मैं उसे अगले दिन टुमारो में आपके सामने लाऊंगा। आगे देखिए क्या होता है। इट वॉज अ संडे एंड अनुकूल बाबू वॉज वेटिंग इम्पेशेंटली, संडे का दिन था और अनुकूल बाबू बड़ी अधीरता के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। अराउंड 10 o'clock रायचरण एंटर्ड द रूम होल्डिंग द फाइलन थैड, लगभग 10 बजे के आसपास फाइलन के साथ में जो था वो वापस आया। हाँ, ऑन लेइंग हर फाइलन्स हैंड 10 o'clock रायचरण हैज ऑन लेइंग हर हैज ऑन चाइल्ड, अनुकूल बाबू वेंट क्रेजी। इट वॉज अ संडे एंड अनुकूल बाबू वॉज वेटिंग इम्पेशेंटली अराउंड 10 o'clock 10 बजे से इंतजार कर रहे थे। रायचरण एंटर द रूम होल्डिंग फाइलन थैंड, फाइलन का हाथ पकड़कर रायचरण एंटर होता है रूम में। ऑन लेइंग हर आइज ऑन चाइल्ड, ऑन लेइंग हर आइज ऑन चाइल्ड, अपने बच्चे पर नज़र पड़ते ही अनुकूल बाबू वाइफ वेंट क्रेजी, उसकी जो पत्नी थी वो क्रेजी हो गई। क्रेजी का मीन्स होता है ना भावी हो रहा, बहुत दिन बाद किसी को देखना तो पागल हो जाना, पागल का मीन्स वैसा नहीं, थोड़ी देर के लिए भावी हो जाना। इंटरेस्ट टू टेक द चाइल्ड इन हिज़ आर्म एंड हेल्ड हिम टाइटली, और बच्चे को कसके बाहों में पकड़ लिया। टीयर्स वॉज स्ट्रीमिंग आउट ऑफ हर आईज, उसकी आंखों से आंसू ही बह रहे थे। फालन वाज अ ब्यूटीफुल चाइल्ड वाज जस्ट 12, फालन एक बहुत खूबसूरत बच्चा था और देखने में भी अच्छा लग रहा था, अच्छे कपड़े पहना था। अनुकूल बाबू फेदरली फीलिंग्स गॉट स्टीयर बट फॉर सम टाइम वर रिप्लेस बाय द लीगल, अनुकूल बाबू की जो पिता वाली फीलिंग थी, पिता की जो भावनाएं थी, गॉट स्टीयर कुरेद आएंगे ऊपर अंदर से, बट फॉर सम टाइम वर रिप्लेस बाय द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन कुछ समय बाद जब उन्हें लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की यानी कि जो हमारी संवैधानिक कह सकते हो या फिर जो वैधानिक चेतावनियां हैं, वैधानिक जो जिम्मेदारियां हैं, एंड ही हैज़ आस्क्ड रायचरण व्हाट प्रूफ डू यू हैव द चाइल्ड इज माइन, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि बच्चा मेरा है। रायचरण सेड हाउ कैन आई आंसर दैट मास्टर, मैं कैसे आंसर दूं आपको इस बात का, नो वन बट गॉड कैन वेरीफाई दैट आई हैड स्टोलन योर चाइल्ड, कोई और नहीं, भगवान साक्षी है इस बात का कि मैंने आपका बच्चा चुराया था। व्हेन अनुकूल बाबू सॉ हिज वाइफ वाज होल्डिंग द चाइल्ड क्लोज टू द हार्ट देन टू आस्क फॉर नो यूज, लेकिन जब देखा कि अनुकूल की बाबू की जो वाइफ है वो बच्चे के बगल में खड़ी है बहुत देर से स्नेह के साथ में, तो उन्हें किसी और प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ी। How he could ever find such a beautiful child and what was the point of lying about it now? How could he ever find such a beautiful child? सुंदर बच्चा कैसे मिल सकता है and what was the point of lying about it now? और अब इन सब बातों का क्या पॉइंट है, and said in stern voice, और stern voice बहुत ही गंभीर आवाज़ में कहा या संवेदनशील आवाज़ में कहा, क्या कहा, रायचरण यू कैन नॉट स्टे, रायचरण तुम यहाँ नहीं रह सकते,
राजतरण साइड एंड सेट राजतरण ने आ भरी और कहा, मास्टर वेयर विल आई गो नाउ? मास्टर अब मैं जाऊंगा कहाँ यहाँ से? आई हैव ग्रोन ओल्ड एंड नो वन विल एम्प्लॉय मी। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझे कोई एम्प्लॉय नहीं करेगा। इन द नेम ऑफ गॉड प्लीज लेट मी स्टे हियर, और भगवान के नाम के लिए मुझे यहाँ रहने दो। अनुकूल बाबू वाइफ सैड, अनुकूल बाबू की वाइफ ने कहा, लेट हिम स्टे हियर, हाउ विल ही हार्म अस? उसे यहाँ रहने दो, ये हमें कैसे हानि पहुँचाएगा? एंड अवर चाइल्ड विल बी हैप्पी टू हैव हिम अराउंड, हमारा बच्चा भी खुश होगा उन्हें अपने चारों ओर देखकर। बट अनुकूल बाबू सेंस ऑफ जस्टिस ऑफ पैरामाउंट, लेकिन जो अनुकूल बाबू का सेंस ऑफ जस्टिस जो न्याय करने का तरीका था जो पैरामाउंट था, यानी कि बहुत ही सजगतापूर्वक था, एकदम सर्वश्रेष्ठ उच्च कोटि का था। रायचरण कैन नॉट बी फॉरगिवन फॉर द क्राइम दैट ही इज कमिटेड, रायचरण अपने अपराधों के लिए कभी क्षमा नहीं किया जाएगा जो उसने किया है। रायचरण हेल्ड अनुकूल बाबू स्वीट, रायचरण ने अनुकूल बाबू के पैर पकड़ लिए। मास्टर प्लीज डू नॉट सेंड मी अवे, मुझे मत भेजिए, योर चाइल्ड वॉज स्नैच्ड अवे बाई गॉड नॉट मी, आपका जो बच्चा था वो भगवान द्वारा चुराया गया था, मेरे द्वारा नहीं। अनुकूल बाबू सेड आई कैन नॉट ट्रस्ट यू, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, यू हैव बिट्रेड मी, तुमने मुझे धोखा दिया है। रायचरण अगेन सैड, मास्टर आई हैव नॉट कमिटेड एनी क्राइम, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। अनुकूल बाबू आज इन एंगर, सो वो इज टू बी ब्लेम्ड, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? रायचरण सैड माई फेट, रायचरण ने कहा मेरा भाग इसके लिए दोषी है। वेन फॉलन गॉट टू नो दैट ही वॉज अ वेल्दी मैन सन्स, ही वॉज एंग्री विद द रायचरण फॉर वॉट ही हैड डन, जब फॉलन को पता चला कि वो अमीर बाप का लड़का है तो उसे रायचरण पर गुस्सा आया। दैट ही हैड बीन केप्ट इन डिस्कम्फर्ट फॉर सच लॉन्ग टाइम, क्यों? क्योंकि उसे इतने दिनों से उसके वो आराम की जगह में नहीं रह पा रहा था, डिस्कम्फर्ट था जो उसे नहीं अच्छा लग रहा था वहाँ पे। आगे देखेंगे हम। When Fallon got to know wealthy man discomfort for such a long time, but he was filled with a pity for Raicharan and said to Ankul Babu, लेकिन वो दया से भर गया एंड सैड टू अनुकूल बाबू, और अनुकूल बाबू से कहा, फादर फॉरगिव हिम, इसे माफ़ कर दीजिए, इफ़ यू डोंट वांट हिम टू स्टे, आप इसे नहीं रहने देना चाहते यहाँ, एटलीस्ट प्रोवाइड विद द पेंशन, तो इसे पेंशन भी दे दीजिए। हियरिंग दिस रायचरण लुक्ड एट हिज सन फॉर द लास्ट टाइम, उसने लास्ट टाइम अपने बच्चे को देख लिया, अपने बच्चे का मतलब था तो मास्टर का ही, एंड लेफ्ट अनुकूल बाबू हाउस विदाउट सेइंग अ वर्ड, और बिना कुछ बात कहे अनुकूल बाबू का घर छोड़ दिया। By the end of the month, और महीने के आखिरी में अनुकूल बाबू sent some money to रायचरण, कुछ पैसे भेजे रायचरण को, but the money order came back as there was no living in the village by that name, लेकिन money order वो वापस आ गया इस वजह से क्योंकि उस गांव में उस नाम का कोई बंदा था ही नहीं वहाँ पर। आई बात समझ में? तो ये थी बेटा आपकी स्टोरी का सार जो है मैं वो अच्छे से बता दूंगा, सुनिए कि एक बार में सुन लीजिए कि स्टोरी जो थी वो स्टोरी क्या थी। स्टोरी बेटा ये थी कि रायचरण एक नौकर था मालिक का, जो उसके पास एक बच्चा होता है, रायचरण ही उसकी देखभाल करता है, अचानक से एक नदी में फूल तोड़ते समय वो बच्चा जो होता है वो अचानक से गायब हो जाता है मिस्टीरियस ढंग से। वो बच्चा फिर रायचरण अपने गाँव वापस चला जाता है, वहाँ उसे एक बच्चा मिलता है और उसकी जो माँ थी वो वहीं पे थी और असहाय थी, तो अनुकूल रायचरण ने वो बच्चा और उन दोनों ने उसकी मिलकर सेवा की। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, लेकिन बच्चे की जो परवरिश थी उसमें कमी रह गई और बच्चा बहुत ज़्यादा क्रोधित था और अपने पिता से यानी कि रायचरण से लड़ता रहता था। ऐसा करते करते धीरे फिर रायचरण ने एक दिन उससे कहा कि बेटा आप यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। ये करके वो अनुकूल बाबू के घर जाता है और वहाँ पर कहता है, बताता है उनसे पूरी बात, कहें आपका बच्चा जिंदा है, मैंने ही चुराया था, ऐसा कुछ होता है। फिर वो बच्चा भी ब्लेम करता है कि आपने मुझसे बताया क्यों नहीं उस समय। तो ऐसे करके ये स्टोरी थी पूरी, और आखिरी में फिर ये होता है कि वो बच्चा दे देते हैं उसको और वो चला जाता है, कौन रायचरण चला जाता है। तो स्टोरी से बेटा हमें सीख यही मिली है कि हमें अपना जो वर्क है वो फुली तरीके से का मीन्स क्या है, पूरे मन से हमें करते रहना चाहिए, ओके। और कभी भी इन सब चीज़ों में धोखा नहीं देना चाहिए। इन सब चीज़ों का मीन्स क्या है, किसी भी चीज़ में हमें धोखा नहीं देना है, हमें ऑनेस्टी के साथ ही वर्क करना है, ओके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर की, ओके। मेरा दोस्तों, अगर लगता है कि इस चैप्टर में समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन में मैंने अपना बेस्ट दिया है आपको और ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास लूँ तो आपको
वीडियो जो हो वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप टाइम टू टाइम उसको अच्छे से पढ़ते रहे। ओके, थैंक्स टू ऑल।